आज हम पैन में टूटी फ्रूटी केक बनाएंगे। जिस पैन में हम चाय बनाते हैं उस पैन में आज हम केक बना रहे हैं। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, इसके जगह बटर भी ले सकते हैं। फिर पीसी हुई चीनी को लेंगे। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम दूध डालेंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे जितने अच्छे से इसे मिक्स करेंगे हमारा केक उतना ही सॉफ्ट बनेगा। बेकिंग पाउडर लेंगे, बेकिंग सोडा, वैनिला एसेंस लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर धीरे धीरे करके इसमें हम मैदा डालेंगे। जरूरत पड़ने पर इसे में हम दूध डालेंगे। हमारा बैटर इस तरह से होना चाहिए। टूटी फ्रूटी लेंगे, इसमें थोड़ा मैदा ले करके इसे हम मिक्स करेंगे। ऐसा इसलिए हम करते हैं ताकि ये नीचे जा करके बैठे ना तले में। पैन को हम तैयार कर लेते हैं। जिसमें हम चाय बनाते हैं ये वो पैन है, इसमें हम केक बनाएंगे। ऑयल लगाने के बाद साइड से हम मैदे को इस तरह से फैला देंगे। आप चाहे तो बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम निकाल लेंगे। जो बैटर है हमारा हम इस पैन में डालेंगे। इसे टैप करेंगे ताकि नीचे जो भी बबल्स हो वो न रहे। अब इसके ऊपर हम टूटी फ्रूटी डालेंगे। इसे हम तवे पर रखेंगे। हमारा फ्लेम जो है वो एकदम लो होना चाहिए। इसे हम ढक देंगे। करीब 50-60 मिनट के बाद हम चेक करेंगे पतली चीज से। अगर नहीं चिपक रहा है मतलब हमारा केक तैयार है।